बिग बॉस की ट्रॉफी के टाइम पे जब डोंगरी में जो हाल हुआ था उस दिन, हमारी ट्रॉफी जीत के जब आप डोंगरी आएंगे तो वैसे ही हाल रहेगा भाई। मैं बिना डोंगरी ट्रॉफी लिए भी जाऊंगा ना तो इतना ही प्यार देगी डोंगरी। पूरा जिस्म जब अच्छा हो तो एक फोड़ी को रोया नहीं जाता। सो एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन, न्यूज बफ में आपका स्वागत है। और ये है डे टू ईसीएल का, जहां मुनावर भाई ने एक बार फिर से जो है ट्रॉफी को अपने हाथ कर लिया। और ये तो कंफर्म हो चुका है कि ट्रॉफी जो है डोंगरी जाने वाली है। तो मुनावर के फैंस प्लीज कॉमेंट बॉक्स में हमें बताओ कि ट्रॉफी के डोंगरी आएगी, क्योंकि दूसरा मैच जीता और थर्ड जो है कल फाइनल मैच होने वाला है, जो कि एल्विश इनकी टीम का बता रहा हूँ, फाइनल मैच होने वाला है जो कि एल्विश यादव से है। कितना मजा आने वाला है ये मैच देखने में वो हम आपको बताएंगे। और मुनावर ने क्या कहा जीतने के बाद, आइए जानते हैं। कैसा लग रहा है देख लो ये राइट लेफ्ट भाई, ये कॉम्बिनेशन इन्होंने दोनों मैच में बहुत ही अच्छा खेला है और पूरी टीम बहुत अच्छा कर रही है और लगातार दूसरी जीत खुशी दे रही है, सरप्राइज नहीं हो रहा है बिल्कुल। भाई हम लोग भाई हमारा इंटेंशन हैट्रिक वैट्रिक का है नहीं, सीधा ट्रॉफी लेके जाने का है। अब उसकी रास्ते में अगर हैट्रिक आ रही है तो ले लेंगे, तो वो है भाई इंटेंशन जीतने का, अच्छा खेलने का है। और जैसे बोलते हैं भाई मैच अगर अच्छा खेलो तो जीतो भाई, लेकिन मौका तो दो किसी को यार, एक बार दूसरे मैच भाई वो मौका देना ही नहीं ना, मौका हमें मिला है पूरी जिंदगी हारे तो अब नहीं। क्या बात भाई, ये खुशी तो है लेकिन एक फैंस को निराशा भी है आज। हाँ। फिर भाई आप वो बोलो नसीब बोलो या क्या भी बोलो, बट वो कहते हैं ना कि पूरा जिस्म जब अच्छा हो तो एक फोड़ी को रोया नहीं जाता। तो अभी जीत अच्छी है, दिन अच्छा गया, प्लेयर सब अच्छा खेल रहे, एवरीथिंग इज गोइंग राइट। अब मेरा एक बॉल नहीं खेल पाना, मैं इस पे रोना नहीं चाहूंगा। उस वक्त थोड़ा बुरा लगा कि यार मुझे आज तो खेलना था, बट कोई बात नहीं, बहुत सारे मैचेस बाकी है और बोलते ना सेव्ड बेस्ट फॉर द लास्ट। सुरेश भाई को मिस कर रहे हैं, सुरेश भाई कहाँ है? नहीं जरा भी मिस नहीं किया जरा भी मिस नहीं किया भाई, सच बोलो तो बोलना है यार। हाँ तेरी माँ की कसम तू मिस किया। तो जैसा नितिन चंदीरा ने आज सेंचुरी बनाई, आपको लगता है कि नेक्स्ट मैच में आपन होगा? तेरे को पूछ रहे हैं क्या क्या मुझे ने सेंचुरी बनाई थी आज के मैच में, तो आपको लगता है आप नेक्स्ट मैच में बना? अब देखो जो हमारी टीम है, हमारा मैनेजमेंट, उन्होंने बहुत अच्छी फ्रीडम दे रखी है और तभी जो माइंड है ना बहुत रिलैक्स रहता है। ऐसा नहीं कि भाई इतने पावर प्ले में तुमको ये कर लेना है या दो ओवर में तुम कहीं मार देना है, कैप्टन नहीं बोल रहा हूँ मैं तो उसका रीजन ये है कि जॉइंट प्रैक्टिस जो हमारी हुई थी वो प्रैक्टिस के हिसाब से हमारे पास अरुण भाई बहुत अच्छे बैट्समैन है और कहीं ना कहीं हमें एक बैट्समैन का हमारे पास एक बहुत अच्छा लाइनअप था, हम वो भी टेस्ट कर रहे थे। आज हमारा अरुण भाई को खिलाया भी हमने, हम चाहेंगे कि अरुण भाई ने आगे वाले मैचेस में खेले, हम चेंजेस कर रहे हैं, बॉलर खिला रहे, बैट्समैन खिला रहे। तो जब आप एक लीड में और टेबल पे जब आप लीड करते हो ना तो आपको एक थोड़ा फ्रीडम मिल जाता है कि आप थोड़े एक्सपेरिमेंट और कर सको। बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ये जो मैचेस है जो फर्स्ट वीकेंड के तीन मैचेस, तो हमें लगता है कि हमें थोड़ा ध्यान से ना कि एक्सपेरिमेंट सोचना, बल्कि हम जो बहुत चीज़ों पर बहुत जितना श्योर रहेंगे वही करा जाएगा। बोल दो भाई बट हम उसको बहुत अच्छे तरीके से खेल रहे हैं और अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं हर कोई चीज़ें। एंड जैसे हमारा कैप्टन लाइक चेंजेस वगैरह कर रहा है, किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, इट्स आफ्टर ऑल इट्स अ गेम ओनली, कभी आर कभी पार, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे साथ ही रहेगा इंशाल्लाह। एंड कैप्टन ने बहुत अच्छी फ्रीडम दी है सब प्लेयर्स को, तो इसीलिए हमें कोई प्रेशर नहीं है कोई रन सी। एक तो छोटा सा ग्राउंड है तो एक्सपेक्टेशंस भी सबको पता ही है कैसे क्या होने वाला है। तो एक अच्छा एक सवाल मेरा ये है कि जैसे मुनावर है, मुनावर नहीं सॉरी एल्विश है, काफी फुल ऑफ कॉन्फिडेंस वो लगते हैं और वो ना मतलब प्रेशर सा डाल देते हैं बातों से ही, पीयर प्रेशर लगता है कि जैसे वो बातों से ही बोल देते हैं कि भाई ट्रॉफी तो घर ही आएगी, ट्रॉफी तो अपनी है, कुछ ऐसा नहीं? दैट्स अच्छी चीज है ना, ये तो कॉन्फिडेंस हर इंसान में होना चाहिए। जैसे मैं भी कहता हूँ कि भाई ट्रॉफी डोंगरी जाएगी, ये वो, हम सब ये चीज़ बोलते हैं, जीतने का सबको मन करता है, कोई एक्सप्रेस करता है अपने एक्शंस में अपने अल्फाजों में, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी कॉन्फिडेंस। हर इंसान यहाँ पे मैच जीतने आया है ना, आपका भी मन करता होगा देख करके भाई मैं भी खेल लेता तो मैं मार देता, ये साला कैसे नहीं मारा। तो वो जुनून ऑफकोर्स वो टीम है तो वो कॉन्फिडेंस अगर कैप्टन की तरफ से आ रहा है तो बेस्ट होगा, बट वो बोलते ना कि अभी
तो गाइस ये था मुनावर का कहना, लेकिन दो मैच जीतने के बाद कहीं ना कहीं कहीं ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं आ गया ना, क्योंकि कल हरियाणवी हंटर आने वाले हैं, तब पता लगेगा कि असली दिल्ली का जो है राजा कौन है, एल्विश भाई या फिर मुनावर। कल से मैच थोड़ा कंफर्म हो जाएगा कि फाइनल कौन जीतने वाला है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं बढ़ तो नहीं गया। आइए जानते हैं मुनावर से। हमने ओवर कॉन्फिडेंस को इतना ओवररेटेड कर दिया है कि ओवर कॉन्फिडेंस अगर कोई ओवर कॉन्फिडेंस भी होगा ना तो दिखेगा कैसे, हाउ यू नो, आपको दिखता नहीं है, सब चीजें दिखती नहीं है। तो यहाँ पे हमको बस यही है कि हमें पता है ना, हम दूध पीते बच्चे नहीं है या हम कोई 12-13 साल के नहीं है कि हमको पता ना चले क्या करना है। ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से पूरी जिंदगी सड़ते हुए आया हम लोग, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से बहुत चीज़ गलत हुई होगी लाइफ में, तो अब वो इतने एक्सपीरियंस है हमको पता है ना कि भाई शांत रहने। भाई आज जीत की खुशी में आज एक और शायरी हो जाती है। नहीं नहीं भाई, अभी कितनी शायरी हम लोग, मेरे को याद भी नहीं है भाई। बिग बॉस की ट्रॉफी के टाइम पे जब डोंगरी में जो हाल हुआ था उस दिन, हम लोग बहुत, मैं मुंबई था उस टाइम जी, जी जब आपकी ट्रॉफी आई थी, ये वाली ट्रॉफी जीत के जब आप डोंगरी आएंगे तो वैसी हाल रहेगा भाई? इट्स वेरी अर्ली, टू अर्ली टू कमिट समथिंग लाइक दिस। आई एम वेरी हैप्पी, यहाँ से मैं जब भी जीत के जाऊँ या कुछ भी, मैं बिना डोंगरी ट्रॉफी लिए भी जाऊँगा ना तो इतना ही प्यार देगी डोंगरी। ग्राउंड में मुनावर की जनता को जो आपको प्यार मिला उस पर और आपको हम देख रहे हैं कि ग्राउंड पे आप सबसे हाथ भी मिला रहे हैं, उनपे जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे भाई? मैं सबसे पहले ये चीज़ बोलूँगा कि कहीं से ट्रैवल करके कहीं आना, क्रिकेट देखने, हमको देखने, उसके लिए सबसे तो बहुत दिल से शुक्रिया उन लोगों का कि वो लोग आते हैं, एक दो घंटा जो भी ट्रैवल करते होंगे, फिर बारिश है बहुत दिल्ली में, और इस सब के बावजूद यहाँ पर वो लोग बैठकर पूरे 6-7 घंटे अगर वो लोग स्पेंड कर रहे हैं, तो मैं उनको बहुत ऐसे नमन करना चाहूँगा कि बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे ही हर मैच में आते रहना। और अभी इन्होंने मुझे पता चला कल की टिकट्स फ्री कर दिए, सो आई क्या मज़ा आने वाला है कल, सो आई एम वेरी हैप्पी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आई होप वीडियो आपको पसंद आओ, सो फिल अप दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ बफ, ताकि इसी तरह की सारी अपडेट आप तक ऐसी पहुंचती रहे। और आज डे वन था और डे टू था, तो अभी 7 दिन लगातार हम इस चैनल पर आपको न्यूज़ देते रहेंगे। तब तक के लिए अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो सब्सक्राइब न्यूज़ बफ, ताकि इसी तरह की सारी अपडेट आप तक ऐसी पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच।